तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग ट्रेनिंग गेम के अंदर आ चुका है जायंट पाइजोनस ट्रेन ईटर मॉन्स्टर, जो कि भाई ट्रेन को जिंदा निगल जाता है। और इसके अलावा इसके कुछ छोटे छोटे बच्चे जो कि इंसानों पर हमला करते हैं, जो कि इंसानों के शरीर का सारा मांस खाकर बस उनकी हड्डियां छोड़ते हैं। और इन्हीं मॉन्स्टर ने फ्रैंकलिन पर भी अटैक कर दिया है। अरे ये क्या है मेरे पीछे, अरे ये मेरे पीछे कौन आ रहा है, बचाओ। तो गाइस आज यार संडे है, संडे को भाई घूमने का बहुत ही ज्यादा मजा आता है भाई। आज तो मौसम भी काफी ज्यादा बढ़िया, ज्यादा धूप भी नहीं दिख रही है। चलो यार जुरासिक पार्क घूम के आते हैं, आज तो वहाँ पे टिकट भी फ्री होगा, संडे को फ्री रहता है। और यार फ्रैंकलिन तो भाई गाड़ी बंगला लेने के बाद मुझसे मिलने आता ही नहीं है यार, बहुत ही ज्यादा गरीब समझता है क्या मेरे को। खैर अपन चलते हैं यार। ऑल राइट, यहाँ पर जुरासिक पार्क तो आ चुका है। ये दरवाजा बंद है क्या? अरे नहीं नहीं ये तो खुला हुआ है, बीच में से लॉक थोड़ी दिया हुआ है, इसको आसानी से खोल सकता हूँ मैं। चलो चलते हैं फटाफट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे 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 बाप रे ये क्या है, अरे छोड़, अबे ये क्या है चिपचिपी चीज, अबे छोड़ कोई तो बचाओ मुझे, अबे क्या ये खा रहा है तो भाई बहुत ज्यादा जलन हो रही, कोई बचाओ मुझे आगे यहाँ से, अरे कोई तो बचाओ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लगता है मेरे शरीर में जहर फैल रहा है बहुत तेजी से। और कुछ देर बाद फ्रैंकलिन के दोस्त विकास की काफी भयानक तरीके से मौत हो जाती है, क्योंकि ये छोटे छोटे मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये इंसान के बॉडी का सारा मांस खाकर बस हड्डियां छोड़ते हैं। अरे भाई फाइनली काफी दिनों बाद संडे आ चुका है, चलो यार एक काम करते हैं, हम लोग ना अपने दोस्त विकास से मिलने जाते हैं। लेकिन विकास तो इस टाइम पे जुरासिक पार्क घूमने जाता है ना संडे के दिन, आई थिंक मुझे भी जुरासिक पार्क के अंदर जाकर देखना पड़ेगा विकास वहां पर पहुंचा है या फिर नहीं। वो समझता है कि मैं काफी बड़ा आदमी बन गया, मैंने बंगला ले लिया तो मैं उसे भूल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त है और बचपन से साथ है। और राइट हम लोग जुरासिक पार्क के पास पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है अपना दोस्त विकास अपना इंतजार कर रहा होगा अंदर। लेट्स गो, इसकी तो मुझे साइकिल भी यहाँ पर दिख रही है एंड ये साइकिल विकास की है मुझे पक्का यकीन है। चलो अंदर चलते जल्दी से। और राइट चलो हम लोग जल्दी से गेट को ओपन कर लेते जुरासिक पार्क के। और राइट हम लोग अंदर पहुंच चुके, लेकिन वेट ये कंकाल किसका है, ये कहीं पुतला तो नहीं? लेकिन नहीं, यहाँ से बदबू आ रही है काफी खतरनाक। वेट ये तो असली कंकाल है। अरे यार ये असली कंकाल यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर तो खून भी है। अरे यार ये तो ताजा ताजा कंकाल लग रहा है, मुझे लगता है अभी अभी यहाँ पर इसकी हड्डियाँ फेंकी होगी। लेकिन यार जुरासिक पार्क के डायनासोर तो यार हड्डी के साथ खा लेते हैं ना, लेकिन ये हड्डियां तो छोड़ती ही नहीं है डायनासोर, लेकिन ये हड्डियां बची कैसे? मुझे तो लगता है कोई मर्डर वर्डर का केस होगा, लेकिन हम लोग को अभी जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, हम लोग पुलिस वालों को कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में, देखते हैं पुलिस वाले क्या ही कहते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग ना फंसे तो बेहतर होगा, लेकिन अभी जाकर तो देखना पड़ेगा ना, ऐसी बात तो यार पुलिस वालों को बताना अपना फर्ज होता है। चलो हम लोग चलते जल्दी से पुलिस स्टेशन। ओके हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से हम लोग बात करते पुलिस वाले से। और राइट चलो हम लोग अंदर तो आ चुके। अरे विक्रम सर मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम था, मैंने अभी जुरासिक पार्क में एक कंकाल को देखा असली वाले। क्या तुम सच कह रहे हो फ्रैंकलिन? अरे हाँ हाँ सर, मैं मजाक क्यों करूंगा, चलो ठीक है तुम घर जाओ मैं देखता हूँ। यार ये सुबह सुबह मैंने क्या देख लिया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। लेकिन वेट मैं ये कैसे भूल गया, जुरासिक पार्क के सामने मेरे दोस्त विकास की साइकिल थी वो। नहीं नहीं उसकी साइकिल नहीं होगी, मुझे लगता है मैंने गलत साइकिल को देख लिया होगा, वैसी साइकिल थी लेकिन उसकी नहीं होगी यार, अपना दोस्त थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। चलो हम लोग ना थोड़ा सा आराम कर लेते, काफी ज्यादा मुझे थकान महसूस हो रही है। फ्रैंकलिन तो यार घर पे जाकर सो जाता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, उसके कार के अंदर वो छोटे छोटे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि इंसान के पूरा मांस खा जाते हैं, बस हड्डियां छोड़ते हैं। फ्रैंकलिन को कुछ भी पता नहीं होता है, फ्रैंकलिन तो अपने घर में अच्छे से सो रहा होता है, लेकिन ये उसकी कार के अंदर अटैक कर देते हैं। चलो भाई हो गया खाना पीना, अब जल्दी से यार चेक करके आते हैं जुरासिक पार्क के अंदर क्या सच में डेड बॉडी है, क्या फ्रैंकलिन सच कह रहा है, चल के देखना पड़ेगा जल्दी से। लेकिन जुरासिक पार्क के अंदर डेड बॉडी कहां से आ सकती है, क्योंकि अभी के टाइम पे तो सिर्फ शाकाहारी डायनासोर है जुरासिक पार्क के अंदर, क्योंकि संडे के दिन मांसाहारी डायनासोर को कैद कर दिया जाता है। तो भाई ये डेड बॉडी आई कहां से, और फ्रैंकलिन कह रहा था कि यार उस डेड बॉडी का मांस बिल्कुल नहीं है, मतलब कि वो कंकाल है। यार ऐसी कौन सी चीज है जो भाई पूरा मांस खा सकती है और सिर्फ हड्डियां छोड़ती है, वो भी इतने जल्दी, कल तक तो कोई न्यूज नहीं आई थी। और ये डेड बॉडी जुरासिक पार्क के मेन गेट के राइट साइड में पड़ी है, जल्दी से यार चल के देखना पड़ेगा कि फ्रैंकलिन सच बोल रहा था या झूठ, पानी कहां से आ गया इतना सारा। अरे यार चल क्या रहा है यहाँ पे, और ये साइकिल किसकी पड़ी है नो पार्किंग में। यार यहाँ के लोग भी ना भाई रूल्स को बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं। एक सेकेंड, कहीं ये उसी की साइकिल तो नहीं जिसकी डेड बॉडी अंदर, हो भी सकती है ना, क्योंकि यार इस साइकिल के अलावा अंदर तो कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ पर गेट भी बंद पड़ा है, लगता है अभी जुरासिक पार्क ठीक से ओपन नहीं हुआ है, बस डायरेक्ट लोग अंदर घुस जा रहे हैं। अरे यहाँ पे तो सच में एक डेड बॉडी है, लेकिन इसके ऊपर मांस नहीं है बिल्कुल,
सिर्फ यहाँ पे कंकाल है यार। इस तरह तो इस बॉडी की जो शक्ल है वो भी पहचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहचानूंगा कैसे? मुझे इसके लिए तहकीकात करनी पड़ेगी। चलो यार फटाफट फ्रैंकलिन के घर पे चलते हैं और फ्रैंकलिन से पूछताछ करेंगे और भी जानकारी के लिए, ताकि वो हमें सब कुछ सही से ही बता सके और हमें पता चले कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों है। और ये साइकिल किसकी है ये भी मुझे पता लगाना पड़ेगा। जल्दी से चलते हैं फ्रैंकलिन के। फ्रैंकलिन तो एकदम मजे से अपने घर में आराम कर रहा होता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि उसके पास उसकी काफी खतरनाक मुसीबत आती है। ये सारे के सारे कीड़े मॉन्स्टर उसके पास जाने लगते और थोड़ी देर में फ्रैंकलिन के साथ चलो भाई आ गया। अरे कोई बचाओ। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? चल के चेक करना पड़ेगा जल्दी से क्या हो गया फ्रैंकलिन को। विक्रम सर, विकास, कोई तो आओ बचाने के लिए। फ्रैंकलिन मैं आ गया, तुम चिंता मत करो। अरे सर, अरे कीड़े कहाँ से आ गए? जल्दी हटाओ इन्हें, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। हटो यहाँ से। अरे बहुत जल्दी हो रही है, जल्दी हटाओ। हाँ फ्रैंकलिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब्र रखो भाई, थोड़ा सा, थोड़ी सी हिम्मत रखो। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये क्या चीज है, तुम कहाँ से लेके आ गए? सर मुझे लग रहा है मैं जुरासिक पार्क के अंदर गया था ना, वहाँ पर इन कीड़ों ने मुझ पर अटैक कर दिया था। ऐसे वो मेरी कार के अंदर घुस गए थे, लेकिन मुझे लगता है ये काफी ज्यादा वही कीड़े हैं जो कि उन्होंने अटैक किया था उस कंकाल पर, एंड मैं तो बच गया। सर मेरी बॉडी के अंदर पूरा जहर फैल रहा है, जल्दी बैठो। अरे सर प्लीज बैठ जाओ, मुझे काफी जलन हो रही, चलो जल्दी से। लेकिन फ्रैंकलिन हम जाएंगे कहाँ पर? हॉस्पिटल तो दूसरी सिटी में। हाँ तो सर हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से हम लोग दूसरी वाली सिटी में जाएंगे, चलो जल्दी से, मुझे काफी जलन हो रही है। अरे सर वो देखो यार, ये इतना बड़ा कीड़ा, ये तो वही है ना जिसने अटैक किया था अपने पर, लेकिन ये इतना बड़ा जाइंट मॉन्स्टर कीड़े ने ट्रेन को भी निगल लिया। वेट, इतनी बड़ी ट्रेन इसके अंदर की समा गई भाई साहब। इसके अंदर मुंह में देखो, ये क्या है, इंसान जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। यार फ्रैंकलिन ट्रेन को तो उसने निकल लिया, अब हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? सर आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मैं विकास के घर जाता हूँ, उसको हेलीकॉप्टर को उड़ाना आता है, हम लोग उसके घर जाते हैं एंड मैं जाकर उसके घर उसको लेकर आता हूँ जल्दी से। हेलीकॉप्टर में जाऊंगा दूसरे सिटी में। और राइट, मैं उसके घर तो आ चुका हूँ, लेकिन वेट, यहाँ पर देखो, मैं इसके घर तो आ चुका हूँ लेकिन मुझे लगता है ये घर पे होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो यार, इसके घर पे तो ताला लगा हुआ दिख रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पर यही है उसका घर, लेकिन यहाँ पर ताला लगा है। अरे विकास यार कहाँ का चला गया यार, मुझे अभी तेरी बहुत जरूरत है, कहाँ चला गया? चलो दरवाजा तोड़ता हूँ मैं, लेकिन नहीं यार दरवाजा भी नहीं टूट रहा मुझसे। अभी क्या करूँ मैं, लगता है बाहर मतलब पीछे वाले दरवाजे से जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पीछे वाले दरवाजे में ताला है यार, पता नहीं कहाँ चला गया अपना घर को छोड़ के। अरे यार अब मैं क्या करूं यार, हेलीकॉप्टर चलाने वाला भी चला गया लेकिन ये मेरे पीछे क्या आ गया। अरे छोड़ो मुझे। फ्रैंकलिन के गाड़ी के अंदर बस चार कीड़े थे, लेकिन ये बड़ा बड़ा मॉन्स्टर फ्रैंकलिन को खा जाता है, एंड देखते हैं फ्रैंकलिन इसके पेट के अंदर सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। ये वही बड़ा वाला मॉन्स्टर है जिसने ट्रेन को भी निगल लिया था अपने पेट के अंदर, एंड फ्रैंकलिन इसके पेट के अंदर अभी सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो अभी हम लोग जानेंगे। फ्रैंकलिन अपना दिमाग लगाता है और इसके अंदर एक स्टिकी बॉम्ब को फिट कर देता है एंड इसको ब्लास्ट करेगा, लेकिन ये अपने लिक्विड के अंदर फिट हो जाएगा, मतलब छुप जाएगा, जिसको ब्लास्ट होने के बाद फ्रैंकलिन को कुछ भी नहीं होगा। अरे भाई ये मैं ऊपर से कहां से आ गया? वेट, ये देखो मैं ऊपर से आ गया, लेकिन यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फ्रैंकलिन तो बच गया, लेकिन फ्रैंकलिन का दोस्त विकास नहीं बच पाया। कोई बात नहीं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो, वीडियो को और अपलोड करो, ऐसी मजा से वीडियो और देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। लेकिन चलो